नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल, संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने बात किया था जो यूपीएच है उसके संदर्भ में क्या प्रश्न वीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के संदर्भ में हम लोग यूनिट फर्स्ट पे बात कर रहे थे कि कौन कौन से प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रमुख प्रश्न है 1857 की क्रांति के कारण एवं उसका वर्णन करिए, ठीक है, जो कि आपके यूपीएच का तीसरा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण और उसका वर्णन। आपको पता है कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध के माध्यम से बंगाल पर एक नियंत्रण स्थापित किया, बक्सर के युद्ध के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, वहां का दीवानी अधिकार अपने पास ले लिया, तो धीरे धीरे यह कंपनी अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाता चला गया। और जब व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाता चला गया तो भारतीय जनमानस के अंदर इस कंपनी के प्रति एक धीरे धीरे घृणित भावना का निर्माण होने लगा। इसके पीछे कारण यह है कि ऐसी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप सामाजिक कारण ले लें, आर्थिक कारण की बात करें, धार्मिक कारण की बात करें, सांस्कृतिक कारण की बात करें। चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सामाजिक और धार्मिक कारणों में हस्तक्षेप करने लगे प्रत्यक्ष रूप से, जैसे आप जानते हैं कि तात्कालिक कारण में जो बंदूक से संबंधित यन राइफल की जो घटना है उसमें लोग बोलते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि जो सुअर की चर्बी ऐसे संबंधित कारतूस में लगे होने के कारण लोग बोलते हैं कि मुंह से काटना पड़ता, जिसके वजह से लोगों को लगा कि हमारे धर्म के खिलाफ है, धर्म में हस्तक्षेप है। खैर, ये तो 1857 का एक चिंगारी था सामान्य रूप से, लेकिन जब हम विशेष कारणों की बात करेंगे तो विशेष कारणों में आप देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े पैमाने पर भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, क्योंकि यहां से खूब बड़े पैमाने पर, जैसे दादा भाई नौरोजी ने बताया, कि निर्यात हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो जीरो है, भारत को कोई उससे लाभ नहीं हो रहा है। यानी भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण अच्छे से चल रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कानूनों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों में भी छूट दे दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बड़े पैमाने पर कंपनियों को छूट मिला। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम प्रकार की, जैसे सहायक संधि हो गया वेलेजली का, फिर डलहौजी का हड़प नीति हो गया, ऐसे तमाम सारे कूटनीतियों के माध्यम से ये लोग जो छोटे छोटे राजा महाराजा भारत में बचे कुचे थे, जैसे आप जानते हैं कि जब मुगलों का पतन हो गया तो भारत में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में कोई शक्ति रह नहीं गया। मराठे उभर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों को आपस में ही लड़ा के, चाहे सहायक संधि के माध्यम से हो, हड़प नीति के माध्यम से हो, ठीक है, कभी पेशवा को हैदराबाद के निजाम के साथ, कभी अवध के साथ, ऐसे लड़ा करके ये लोग क्या किए, भारत का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कई प्रकार की शोषणकारी व्यवस्थाओं को जन्म दे दिए। तो आप देखेंगे जो 1857 की क्रांति है, भारत का एक प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तविक रूप से जब भारतीय जनमानस के अंदर एक आक्रोश का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे ये लोग अपनी आक्रोश को आगे बढ़ाते हुए, इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से ही हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने दिल्ली में गए और उसके बाद दिल्ली में गए, मुगल शासक को भी अपना बादशाह घोषित किया और धीरे धीरे इस प्रकार व्यापक क्रांति की अवधारणा है जो बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो
जैसे अगर बात किया जाए, जैसा आपको हमने बताया है कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत के इतिहास की गरिमामय युगांतरकारी घटना है। चूंकि 1857 की क्रांति भारत की पहली सशस्त्र क्रांति थी जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी थी, ये बात सत्य है। चूंकि उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन अधिकार छीन लिए गए और 1858 के अधिनियम के तहत भारत में संसदीय प्रणाली शासन की शुरुआत हो गई और ब्रिटेन की सरकार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से कार्य को करने लगे। ठीक है, राजनीतिक कारण में आपको जैसे हमने बताया अंग्रेजों की जो राज्य विस्तार है, बेलजी की सहायक संधि हो गया, डलहौजी की हड़प नीति हो गया। ठीक है, तो इन शासकों के नीति के कारण जमींदारों में भी असंतोष बना। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये लोग जबरदस्ती जो हड़प नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो ये जो तमाम सारे कारण है ना, वो बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्थिक कारण आपको हमने बताया ही है कि जो है आर्थिक कारण के रूप में अंग्रेजों द्वारा जो लागू की गई भूमि व्यवस्था थे। ठीक है, चाहे वो जमींदारी प्रथा हो, इस्तमरारी प्रथा हो, रैयतवाड़ी प्रथा हो, इन सबका उद्देश्य जमींदार भूस्वामियों का शोषण करना ही था। ठीक है, तो जिसके वजह से लोग भारतीय कृषकों की हालत निरंतर गिरती जा रही थी और परिणाम यह हुआ कि कृषक समूह जो है साहूकारों के चंगुल में फंसते जा रहे थे। तो उनको लगा कि एक आंदोलन की जरूरत है। फिर आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि नवाबों का पेंशन वगैरह बंद हो गया इसकी वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन दूसरा प्रश्न है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारणों को विवेचना कीजिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जैसा आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक सिविल सर्वेंट जो है एओ ह्यूम के माध्यम से किया गया था। ठीक है, और डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन मामला यह है कि इसकी स्थापना का कारण क्या था। देखिए क्या है, जब 1857 की क्रांति के बाद एक बात प्रमुख रूप से उजागर हो गया कि भारत में जो एक राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब उस राष्ट्रीय आंदोलन की जो विचारधारा बढ़ रहा है, चाहे शिक्षित समुदाय हो, चाहे भारतीय जनमानस हो, सारे लोग मिलकर एकजुटता एक राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हेतु अपना कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मामला यह है कि ये जो सिविल सर्वेंट अधिकारी हैं एओ ह्यूम, जैसे कि लाला लाजपत राय कहते हैं कि तड़ित चालक के रूप में ब्रिटिश सरकार ने इनको तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया। ऐसा इसलिए कि चूंकि इनका मानना यह था कि अगर भारतीय जो शिक्षित समुदाय के लोग हैं, अगर इनके साथ एक राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास एक संस्था हो जाएगी तो ब्रिटिश सरकार सुरक्षित रहेगा और ब्रिटिश सरकार को ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि जिसके वजह से ये लोग जो है ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंके। तो इस मामले को आगे बढ़ाते हुए, ये जो मामला हम बता रहे हैं, इस मामले को आगे बढ़ाते हुए भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख रूपरेखा है। अगर आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से आगे बढ़ा तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही प्रमुख भूमिका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही आप जानते हैं कि 1947 में देश को आजाद भी कराया। ठीक है, तो इसी के पैमाने पर बीच में बहुत सारी समस्याएं आई। कांग्रेस में भी नरमपंथी उग्रपंथी के रूप में विचारधाराओं का एक अलग विभाजन हुआ, मतभेद हुआ। लेकिन बात यह है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका था,
जिसके वजह से ये लोग जो है भारत के लोगों के अंदर एक राजनीतिक संगठनों के प्रयास के स्वरूप में और राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण के लिए प्रमुख इसका योगदान है। ठीक है, तो एक शब्द से कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके कारण क्या थे, इस पर आपने जान ही रहा कि विद्वानों में कई प्रकार का मतभेद है, आपको हमने बताया। ठीक है, और तो ये रहा है राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में। इस प्रश्नों के माध्यम से आप अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करें। जय हिंद।